बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का विरोध कर रहे जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। अपने विरोध को लेकर सैकड़ों बेरोजगार जेबीटी ने फिर से मंडी में एक रोष रैली निकाली और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय का घेराव किया और इनके माध्यम से सरकार को अपना मांग पत्र भेजा। बता दें कि राज्य सरकार ने जेबीटी डीएलएड की बैचवाइज भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी इस पर निर्णय आना बाकी है। कोर्ट से निर्णय आने से पहले ही सरकार जेबीटी की जो बैचवाइज भर्ती कर रही है उसमें बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल किया जा रहा है। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के राज्य अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ने गलत निर्णय लेकर हजारों बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद भी सरकार बीएड डिग्री धारकों को जबरन जेबीटी की भर्ती में शामिल कर रही है, जबकि आरएंडपी रूल्स के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और घेराव भी किया। इसमें हमारी मुख्य मांग यही थी कि जो अभी काउंसलिंग हुई है जिसमें बैचवाइज में बीएड वालों को एलिजिबल किया गया 2018 की नोटिफिकेशन के तहत, जो कि सरासर गलत है क्योंकि 2018 की नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वैश कर दी है और साथ ही साथ मामला भी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम चाहते हैं कि इस भर्ती पर रोक लग जाए और बीएड वालों को इस भर्ती में एलिजिबल किया नहीं जाए। और अगर भर्ती करनी ही है तो सिर्फ और सिर्फ जेबीटी के की भर्ती में जेबीटी वालों को ही एलिजिबल किया जाए क्योंकि आरएनपी रूल्स अभी तक नहीं बदले हैं और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन था कि आरएनपी रूल्स बदले जाए। उसके बाद जो है वो डिसीजन जो है रिव्यू पिटीशन में जो है स्टे हो गया था राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के आने के बाद। तो हम चाहते हैं कि बीएड वालों को इसमें जो है बाहर किया जाए, इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन था। अभी तक कहीं भी एलिजिबल नहीं किया गया है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो है जहाँ जहाँ पे एलिजिबल हुआ था वहाँ पे कंडीशनली अपॉइंटमेंट दी गई थी 2018 के बाद। 2018 की नोटिफिकेशन से बीएड वाले एलिजिबल हुए और उस नोटिफिकेशन के आने के बाद ही जो है पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो वहाँ पे बीएड वालों को एलिजिबल किया गया था। लेकिन उसके बाद जब राजस्थान हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है तो हर जगह जो है भर्ती रोक दी गई थी और सिर्फ भर्ती जो है जेबीटी के तहत जो है जेबीटी को ही दी जा रही थी। बीएड वालों की भर्ती जो है हर जगह जेबीटी कैडर में रोक दी गई थी। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। न्यू कृष्णा एम्पोरियम कांगड़ा, यहां पर मिलेगा आपको होलसेल दामों पर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर। फैंसी सूट, दुपट्टा, पार्टी वेयर ड्रेसेस, साड़ी, लहंगा, सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल और शादियों के लिए दाज एंड वरी के लेटेस्ट डिजाइन। तो देर ना करें, जल्द आए न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड कांगड़ा और रानीताल में दूसरे शोरूम, शॉप नंबर 6, फर्स्ट फ्लोर नियर पेट्रोल पंप रानीताल।